का विषय है, जांच से स्पष्ट हो जाएगा किस तरह का घटना है, क्योंकि निश्चित रूप से जो लोग इसके ऊपर में हमला किया वो लोग बातचीत से लगता था कि उड़िया भाषा भाषी के हैं, जो आवाज़ से लगता था। और इस तरह का कई घटना इस क्षेत्र में हो चुका है इससे पहले भी। इसमें निश्चित रूप से कोई लुटेरा भी हो सकता है, नक्सली का भी इनकार नहीं किया जा सकता है। पैसा लूटना, देखिए सुनील महतो का इससे पहले जो घटना घटा था उसका पॉकेट में 1 लाख रुपया था, तो ये तो नहीं कहा जाएगा कि ये लुटेरा लोग ही सुनील महतो को मारा था। तो इसलिए ये जांच का विषय है, जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि इन लोगों का है, क्योंकि अभी जो भी घटना उड़ीसा यहाँ का जो भी नज़र रखा हुआ है, नक्सली भी जो उड़ीसा के तरफ से ही इसका ऑपरेटिंग हो रहा है, तो इसलिए उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। और लुटेरा या असामाजिक तत्वों से भी इनकार नहीं किया जाता है जा सकता है। तो इसलिए चूँकि ये स्कूल चलाता था और गाली भी लोग दिया कि बहुत आप स्कूल चला रहे हैं, बहुत आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, अब आप चल जाइए, ऊपर से आप शिक्षा देते रहिए, इस तरह का भाषा का भी प्रयोग किया है। और इस तरह का भाषा प्रयोग करना निश्चित रूप से जो आज समाज विरोधी तत्व, जो है शिक्षा विरोधी तत्व का भी इसमें हाथ हो सकता है। क्या मांग करते हैं? हाँ, इस पर उचित जांच हो और जांच के बाद पर उस पर कार्रवाई हो और उन लोग को दोषी को पकड़ा जाए जितना जल्दी हो सके। और इसको कम से कम इसको भी सुरक्षा का इस पर इसका बयान के आधार पर इसका जो इसका हिम्मत देने के लिए, क्योंकि ये भयभीत रहता है, इस तरह का घटना घटने के बाद लोग जो है भय का वातावरण बन जाता है, बाकी लोग भी भयभीत हो जाता है, जो घटना को देखने वाला भी भयभीत हो जाता है। सुरक्षा का भी इस पर मैंने नज़र रखा जाना चाहिए। संकेत, आपको क्या जानकारी मिली थी घटना के बाद जैसे वहाँ का लोग हम लोग को फ़ोन किया, फ़ोन से बताया कि ऐसा ऐसा घटना जो है चकड़ी में हो गया है, चकड़ी के पास में। और उसमें हम लोग को सोचा तो भाई हम लोग फिर जाके ये करें। इसके बाद पुलिस का टीम भी वहाँ गए और बाकी चीज़ तो जो है घटना क्या चीज़ है, कौन लोग है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। तो जब गए वहाँ पे तो क्या स्थिति था? वहाँ स्थिति तो थोड़ा सा जो बच्चा लोग भी हम लोग जाने के बाद वहाँ उपस्थित था, बाकी लोग जो से जो जानकारी मिला कि वो लोग का कहना है कि फिर से इस क्षेत्र में अशांति फैलने जा रहा है, ये शुरुआती फिर से शुरुआत करने जा रहा है, इस तरह का लोगों में ये चर्चा हो रहा था। नक्सली गतिविधि पे इनका इशारा था? हाँ, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, नक्सली गतिविधि से भी, चूँकि शुरू शुरू में जो इसी तरह से शुरू किया गया था, जब यहाँ सिद्धो हेमब्रम पर हमला हुआ था DSP, तो उसमें कोई जिस समय वो क्या स्पोर्ट्स एसोसिएशन का जो चेयरमैन था, क्या नाम, अमिताभ चौधरी, जो वहाँ SP हुआ करता था, वो भी इस चीज़ को इनकार करते रहा। और जबकि DSP पर हमला हो रहा है, DSP पर पत्थरबाजी हो रहा है, DSP पर तीर चल रहा है, हसुआ से लाठी डंडा से उस पर जो है मार रहा है, उसको घायल भी हो गया, इसके बावजूद भी जो इस तरह का जो बोल है बाद में, यही चीज़ मैंने इस क्षेत्र में भयंकर रूप से यहाँ आतंकवाद उग्रवाद नक्सली का यह प्रकोप हुआ। अच्छा रहा है कि नागरिक सुरक्षा समिति उस समय बना और इसमें पुलिस का सहयोग से हम लोग बहुत सारी चीज़ को इसको कंट्रोल करने में सफल हो पाया।